और आप इंटरनेशनल मार्केट को कोई भाव नहीं देते थे। मैं रोज़ सुबह 7 बजे कमेंट्री सुनाता था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था यार मैं ऐसे क्यों रोज़ सुबह मेहनत करता हूँ। अब पता लगा कि एक दिन में पूरा बदला लिया उसने। लेकिन आपने बात की कि लेवल्स क्या है, तो लेवल्स के मास्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, सरवेन जी। सरवेन जी, शुक्रवार को जो चर्चा हुई थी कहानी, उससे आगे बढ़ गई, अब तो चेंज हो गए होंगे लेवल वगैरह। बताइए क्या है, निफ्टी पहले दिखाइए क्या स्थिति बन रही वहां पे। बहुत बहुत नमस्कार सबको पैनल पे। और देखिए थॉट नीरज जी यही है कि जो पहले से चला था, हम बड़ा कंसिस्टेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे आपने बोला आप सुबह रेगुलर शोज करते हैं, तो श्री कृष्ण की वही बात याद आती है कि भाई आप अपने कर्म करते रहो, विच आज के जमाने में जिसको प्रोसेस, कीप फॉलोइंग योर प्रोसेस, और आज नहीं तो कल रिजल्ट्स आते हैं। और मैं हमेशा मानता हूं कि न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस, तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अभी तो पॉसिबली कहीं शुरुआत है और खराब न्यूज पॉसिबली कहीं 1-2-3 महीने बाद आएगा। जो भी मैं हमेशा मानता हूं कि खराब न्यूज तो टॉप से 2-3 महीने बाद ही आता है, तो ये तो कहीं शुरुआत है और रीजंस लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फाइनल रीजंस कुछ और भी निकल के आएंगे। नो डाउट येन कैरी ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें येन कैरी ट्रेड तो पिछले साल बन रहा था, जापान के सेंट्रल बैंक ने यू टर्न मारा, पहले ही करने वाले थे, पोस्टपोन किया है। तो देखिए आप यू कैन नॉट इनेविटेबल को पोस्टपोन करेंगे तो फिर दर्द फिर एक साथ हो रहा है, तो यही एक प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर अगर थोड़ा सा एक बोलते हैं ना पॉइजन पिल थोड़ी सी खा ली होती, थोड़ी कड़वी दवा लास्ट लास्ट टाइम में ले ली होती, तो शायद ये इतना पेन नहीं होता। 162 वाला 142, मतलब ऑलमोस्ट 15% करेंसी में मूव 14-15 दिन में आना, ये जब आप किसी करेंसी ट्रेडर को या किसी बड़े डेस्क वाले से बात करेंगे तो दीज आर ह्यूज सिक्स सिग्मा इवेंट्स। मतलब करेंसी में 15-15% मूवमेंट इज लाइक अर्थक्वेक। उस मार्केट में तो अर्थक्वेक आया हुआ है, वो हमें अभी नहीं फील हो रहा है क्योंकि जो लोग करेंसी नहीं ट्रेड करते हैं, बट जो करेंसी मार्केट में है उनके लिए तो मतलब काफी सारी डेस्क साफ हो गई होंगी। 15% इन 15 days is huge, 15 sessions। तो आई थिंक ये सब पेन अभी बाकी है, और हम तो साल के स्टार्ट से, इलेक्शन के बाद से, जो हमने इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो हाई बना 24,500-600 वाला, हमने वही बोला था कि बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है और 23,000-23,500 आएगा। तो हम पहले फिलहाल उन्हीं व्यू को स्टिक करके रखेंगे कि 23,000-23,500 यहाँ पे आएगा। किन्हीं कारणों से उन लेवल्स के नीचे गया तो फिर समीकरण देखने पड़ेंगे क्या बन रहे हैं, बट यस पेन तो अभी स्टार्ट हुआ है। और इंडिया में एवरेज बेयर मार्केट 15 महीने रहता है, मतलब करेक्शन, लेट्स नॉट कॉल इट अ बेयर मार्केट, इंडिया में बेयर मार्केट आज तक आया ही नहीं है क्योंकि सेंसेक्स का जहां से डेटा है वहां से 24 महीने से ज्यादा का कोई भी फॉल अभी तक आया नहीं है। तो बेयर मार्केट तो उसको बोलते हैं जो निकेई में चला था 1989 से 2009, 20 ईयर्स। 40,000 वाला निकेई पहले 8,000 हुआ और 8,000 वाला फिर 40,000 हुआ। अब 40,000 जाने के तुरंत बाद वहां पे भी आहा मोमेंट हो गया, निफ्टी का सिल्वर जुबली हुआ, निकेई ने ऑल टाइम हाई मारा, दोनों के आहा मोमेंट, सबके तमन्नाएं, सब कुछ पूरा। उसके बाद एक वैक्यूम आता ही है, जो मैंने फ्राइडे को बोला था, जब आहा मोमेंट आता है उसके बाद एक वैक्यूम आता है और वो वैक्यूम बहुत डेंजरस होता है, पॉसिबली वही निकल के आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 23,500 तक निफ्टी गिर सकता है? जी 23,000-23,500 तक आई विल नॉट बी सरप्राइज, और ये मेरा टारगेट 24,600 से रहा है कि 1,000-1,500 पॉइंट तो यूं जाएंगे इसमें। बट अब जैसे जैसे ट्रेंड के, अब जैसे देखिए वीकली मोमेंटम ने आज साथ छोड़ा, अभी तक डेली मोमेंटम ने साथ छोड़ा था, आज भी वीकली मोमेंटम सेल में गया, बट ठीक है आज मंडे है इसलिए हम उसको विल नॉट टेक इट एज अ फाइनल रीडिंग, बट उस फ्राइडे को हम देखेंगे। अगर वीकली मोमेंटम ने भी साथ छोड़ा तो ये टारगेट्स के नीचे में गहराएंगे और पॉसिबली और लेवल्स निकलेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं 23,000 का वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ। क्या यहाँ से 23,000 या 23,500 के लेवल आने के बीच में जो बीच बीच में एक डेड कैट बाउंस आता, वो कुछ आएगा कि वन साइडेड चले गई? अब सर देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है, आजकल ऐसा हो गया है ना सर, एवरीथिंग इज शॉर्ट। देखिए ये पहले ये सब सवाल आते नहीं थे, मतलब आज से 5-7 साल पहले तक ये सब सवाल नहीं होते थे, बट आजकल टाइमलाइन सोशल मीडिया आने के बाद इतनी शार्प हो गई है कि जो कुछ हो रहा है एक 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 सांस में हो जा रहा है। ऐसा अब नॉर्मल और नेचुरल नहीं था पहले कभी, बट अब देखिए नए नए जमानों में हमको भी क्या कहते हैं उसके साथ हमको भी चेंज होना पड़ रहा है। तो कह सकता हूँ कि हाँ भाई 10-20% चांस है कि सांस ना ले और एक ही सांस में चला जाए, ऐसे होता नहीं है, बट कुछ कह नहीं सकते, एक सांस में भी जा सकता है, एक सांस में जा सकता है और एक सांस में फिर वही आ सकता है, ये भी हो सकता है। अब वो भी है, वो भी है, आजकल तो आजकल वो भी है। मार्केट कोई भरोसा नहीं है। अच्छा एक जी, एक जी। सवाल और, चलिए आते हैं दोबारा आपके, फिर और चार्ट देखेंगे हम लोग। अमरीश सर मुझे ये बताइए कि घरेलू फंड्स ने अब तक बाजार को संभाला पिछले 2-3 सालों में, है ना, FIIs तो बाई भी नहीं कर रहे थे, अब तो बेचारे जाके सेलिंग बंद किए, बाई अभी भी नहीं कर रहे। क्या डोमेस्टिक फंड के दम पर कोई सपोर्ट है, कोई समझौता होगा यहाँ पे, या उन्होंने भी हथियार डाल दिए? ये देखिए डोमेस्टिक फंड्स के पास फंड्स कहाँ से आता है, फंड आता है रिटेल से, वो भी SIP से आता है, और पहले हम लोग बोलते थे कि SIP इज लाइक लॉन्ग टर्म मनी, ये आती रहेगा, जब शुरू होता है तो आती रहेगा,
बट थिंग्स हैव चेंज्ड इन द लास्ट 4-5 years, क्योंकि यदि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो यदि निकल जाता है फ्रॉम द मार्केट फॉर व्हाटएवर रीजन, इन केस द मार्केट फॉल्स 10-15%, देन दे कैन स्टॉप द SIP ओवरनाइट. मैंने 5 साल पहले दूसरा बात था, क्योंकि इफ़ यू हैव टू क्लोज एन SIP आपको आइदर म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाना पड़ता था, या बैंक के पास जाना पड़ता था, या अपने ब्रोकर के पास जाना पड़ता था. पर अभी यू कैन स्टॉप एन SIP विद अ क्लिक ऑफ बटन ऑन योर मोबाइल. तो इनकेस ये जो कॉन्फिडेंस है रिटेल इन्वेस्टर्स का निकल जाता है, पैनिक मोड में आ जाते हैं, देन ऑल दिस SIP कैन स्टॉप. आई वुड से ऑल बट एटलीस्ट पार्ट ऑफ द SIP कैन स्टॉप. तो उससे जो फ्लो है म्यूचुअल फंड के पास, दैट श्योरली विल रिड्यूस. तो आई मीन आई विल नॉट क्लियरली से कि आगे जाके भी म्यूचुअल फंड के पास उतने फंड्स रहेंगे जो हम लोगों ने लास्ट इतने दिनों में देखे हैं, क्योंकि यदि मार्केट नीचे आता है देन ऑल्सो देर कैन बी मोर विड्रॉवल्स. सो वी कॉन्ट बी श्योर ऑफ द म्यूचुअल फंड फ्लो. ओके, अच्छा कुछ फंड्स के बारे में आती थी खबरें कि वो काफ़ी दिनों से कैश कॉल लेके बैठे हुए, कई सारे छोटे छोटे फंड थे जिन्होंने बहुत दिनों से नई खरीदारी की थी. तो गौरांग सर, SIP में थोड़ा सा कमी आने की आशंका लगती है आपको? पृथ्वी साहब, आज 11:30 को मैं हमारी सहयोगी चैनल CNBC बाजार पर कॉलर शो कर रहा था, और मैं करीबन आधे घंटे तक उस शो में था, बिकॉज मेरी कुछ अन्य पहले कुछ प्री एंगेजमेंट थे. आधे घंटे में मैंने करीबन 12 या 15 निवेशकों के सवाल के जवाब दिए, और ज्यादातर प्रश्न ये था कि पैसे हैं कहाँ निवेश करें ये बताइए. और इसके बाद मैंने 2-3 शो और बाकी अन्य चैनल भी किए. तो निवेशकों के पास निवेश करने के लिए पैसे हैं, खाली ये जानना चाह, और ये मैं बात कर रहा हूँ लंबी अवधि की, मैं कोई 3 महीने 6 महीने या साल भर की बात नहीं कर रहा. और ये प्रश्न था कि क्या ऐसे गिरते हुए बाजार में हमने सीधे सीधे जाकर के शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, या फिर लमसम, एक तो प्रश्न ये भी था कि लमसम निवेश कर दे या फिर SIP के माध्यम से. तो निवेश और जमीनी स्तर पे भी नीरज भाई, हम बहुत करीबी से निवेशकों के साथ जुड़ते हैं, जब भी हम निवेशकों को जागरूक करने का अभियान चल जाते हैं. और अभी मैं 2-3 IIPs करके आया हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे मेरी बातचीत हुई और जो उनकी एक मंशा थी कि नहीं, हमें भारत की प्रगति उन्नति और भारतीय शेयर बाजार से जुड़ने से ही पूंजी निवेश करके आपके भविष्य को आप सुरक्षित कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि पूंजी नहीं है, पूंजी है, खाली उनको ये मार्गदर्शन देना है कि आपको कहाँ निवेश करना है और कौन से क्षेत्र में करना है और कौन सी कंपनियों में आपको करना है. अब ये पैसा कितना दबाव आता है बिकवाली का, हम कहाँ तक नीचे जाते हैं, और फिर उसका सामना करने के लिए हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास कितनी पूंजी है, मेरे ख्याल से अभी तो पर्याप्त पूंजी है ऐसा लग रहा. सपोर्ट हो सकता है. अभिषेक, आपको लगता है कि ये एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव खबर है कि फंड के पास पैसा आता रहेगा और उससे बाजार संभलने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि अब तक भी तो यही होता रहा, फिर क्यों गिरे हम इतने? और ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है, ग्लोबल ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है, ये परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट हुई है यहाँ पे. तो क्या ये एक सिल्वर लाइनिंग है इसमें, या इस बार भी वैसा ही हम मान के चले जैसा हमेशा होता है कि बड़ी बड़ी गिरावट हुई और 2-3 दिन में खत्म हो गई फंड के दम पे? तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि अभी तक अगर हम ये लास्ट 2 दिन के इवेंट को एनालाइज कर रहे हैं, तो एशिया में सबसे बेस्ट मार्केट जिसने परफॉर्म किया वो हमारा मार्केट है. बिकॉज अगर हम निकाई को देख रहे हैं, ताइवान को देख रहे हैं, हांगकॉन्ग को देख रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज फॉल उनकी 12% ज्यादा स्टीप है, एंड उसके सामने तो डेफिनेटली हमने बहुत बेटर किया. तो ये फ्लो तो डेफिनेटली आया है, या DIA इन्वेस्ट करे तभी ये बचा हुआ है, अदरवाइज 2.5% की जगह पे कोई और नंबर भी हो सकता था. दूसरी बात है, मुझे लग नहीं रहा है कि SIP कहीं भी कम होने वाली है, SIP का फ्लो मेंटेन रहेगा. बिकॉज ये बात बिल्कुल राइट है कि डोमेस्टिकली हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है और इन्वेस्टर्स अभी भी बुलिश है मार्केट्स को लेके, देयरफॉर वो आगे लॉन्ग टर्म का पैसा है टिपिकली SIP में जो आता है, सो वो आगे रहेगा. बट क्योंकि हमारे पास ऐसे का पैसा है इसलिए मार्केट नहीं गिरेगा, आई थिंक सो मैं इस थीसिस को नहीं मानूंगा. मेरे हिसाब से कोई भी इंसान मार्केट में पैसे बनाने आता है, और अगर कोई चीज सस्ती में मिल रही है तो मैं रुक के फिर बाय करूंगा. सो पॉइंट बीइंग दैट देयर माइट बी सम टाइम टू होल्ड, कि थोड़ा करेक्शन देखने के बाद अपने इन्वेस्ट करते हैं. बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने, अगर हम ध्यान दें, नए पैसे लेने बंद कर दिए थे क्योंकि उनका कंसर्न ही ज्यादातर वैल्यूएशन के अराउंड था. सो डेफिनेटली पॉइंट ये होना है कि लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग मनी इन द बैंक, कैश में होंगे, फंड मैनेजर्स के पास ड्राई पाउडर होगा,
बट वो एक लेवल का डिसेंट करेक्शन देखना चाह रहे हैं, जो अब लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी शायद आ रही है। एंड 2% 4% कोई मैं करेक्शन नहीं मानता हूँ, ये तो एक स्टीप, इतना ज्यादा ग्लोबल देख रहे हैं इसलिए बोलकर आज इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, बट मुझे लग रहा है कि ऐसे एकाएक ये जाने वाली नहीं है एंड थोड़ा समय देना होगा मार्केट को। मार्केट, मैंने बार बार नीरज जी आपको कहा है कि हमने चर्चा की है कि मार्केट कभी लीनियर नहीं है, और अभी हम अगर इस फेज को देखें निफ्टी का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फेजेस में हमने देखा है, जो इतनी वन साइडेड बुल साइड में जो है, मिड कैप स्मॉल कैप मेन निफ्टी इंडेक्स सबने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो देर इज नथिंग रॉन्ग, अगर आपको लंबी मैराथन खेलनी है तो बीच में ब्रेक थोड़े लेने पड़ते हैं, थोड़ा स्लो डाउन कहीं ना कहीं होना पड़ता है, एंड ये हेल्दी करेक्शन मैं इसे मानूंगा। ऐसा नहीं कि कोई रातों रात हमारे फंडामेंटल बदल गए, पर सर्टनली इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही अहेड ऑफ द टाइम चले गए, एंड थोड़ा करेक्शन आना इम्पोर्टेंट है जो अभी हम देख रहे हैं। ब्रेक लगेगा या हो सकता है टाइम करेक्शन आए इसमें, ऐसा हो सकता है कि बहुत चले ना टाइम करेक्शन में चला जाए। देखिए एक चीज मैं बताऊं, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट वाला, मुझे ये बिल्कुल गलत फहमी नहीं कि रिटेल के दम पे मार्केट चलता है। अभी 25,000 का हाई उसने तब टच किया जब एफआई ने सेलिंग बंद की, रादर नेट बायर हो गए, तो भले ही 100 करोड़ की बाइंग हो। तो ये गलत फहमी फंड को नहीं होनी चाहिए कि मेरे दम पे मार्केट चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एफआई सेल नहीं कर रहे हैं वो रुक जाएंगे तो आपके यहाँ की फॉल रुक जाएगी, लेकिन अगर वो बेचना शुरू कर दें तब फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। इससे पहले हाई नहीं बना जब तक वो बेच रहे थे, हाई तभी बना जब उन्होंने बाई करना शुरू किया या अपनी सेलिंग उन्होंने रोक दी। तो रिटेल के दम पे मार्केट वापस उस ग्लोरी को हासिल करेगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। एग्री और डिसएग्री अभिषेक जी? नहीं, बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर क्लास को हम जो है बिल्कुल ही संपूर्ण समर्पण कर दें और ये सोचें कि यही असेट क्लास ड्राइव करेंगे। डेफिनेटली रिटेल पावर हमारे पास है, थैंकफुली ये एक अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली फंडामेंटल्स ही प्रिवेल करेंगे। आज की ग्लोबल सिनेरियो पे जो बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी इंसिडेंस नहीं है। वो 15% की पॉइंट अभी मेरे कलीग बता रहे थे करेंसी में आ गया। आज हमने अकेले एक इंडेक्स जो है निकाय के 12% इक्विटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो एक दिन में करेक्ट कर गया। यूएस के अंदर में टेक्नोलॉजी स्टॉक में इतनी मैसिव सेलिंग आई है, निवेदिया हम देख रहे हैं कि 20% विद इन 5 डेज में निकल गया। आपके वॉरेन बुफे ने 50% एप्पल के भेज दिए। तो ये सब कोई छोटे छोटे इवेंट्स नहीं है, ये सारे के सारे कलेक्टिव इवेंट्स को अगर हम देखें तो चीजों के पीछे जो स्टोरी बन रही थी करेक्शन आने की बन रही थी, बट अगेन लॉट ऑफ थिंग्स वेर गेटिंग चैलेंज्ड एंड कोई टाइम नहीं कर सकता मार्केट का। सो अभी हो रहा है, ये सिनेरियो बन रहा था, अब एकाएक सामने दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई वुड जस्टिफाई कि ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है एंड मार्केट थोड़ा समय लेगा रिकवर करने में, ये मैं पर्सनली मुझे लगता है। ये बात सही। अच्छा अमरीश सर, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो मिस्टर बुरफे ने इतना आधा अपना स्टेक कर दिया एप्पल का, जो उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग थी, क्या ये कोई संकेत इससे लेने चाहिए? नहीं, उनका संकेत तो क्लियरली यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट पर है, क्योंकि क्लियरली उनको स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, इसीलिए उन लोग बेच रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इनटू कैश। पर शायद उसका डायरेक्ट इफेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म तो इंडियन मार्केट्स पे आएगा नहीं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो क्लियरली ग्रो कर रही है, नो डाउट। ऑल दो वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गए थे एंड वो करेक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं, पर उसके कारण यहाँ पे लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी मुझे लगती नहीं है। ओके परफेक्ट। अब इसके आगे का जो सवाल है मेरा वो ये है कि क्या जो जो भी निवेशक है हमारे रिटेल के या जो भी मुनाफे में अभी भी हैं, क्योंकि ये मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दिखाई है कि वो 200%, 400%, 600% तक चले, ठीक है ऊपर से 20-30% करेक्शन उन्होंने देखा भी होगा, क्या मुनाफे वाले शेयरों को बेचने का समय है क्या? सर्वेन जी चार्ट दिखाइए और बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए निफ्टी का जो चार्ट हमने फ्राइडे को दिखाया था वही अगर दोबारा हमने उसी को अपडेट करके दिखा रहे हैं कि देखिए एक